नमस्कार, क्रिकेट में इस यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी 2019 से आईसीसी ने शुरू किए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, जो कि पूरे 2 साल चलेगी, यानी कि 2021 तक चलने वाली है। और अब जो टीम इंडिया की जितनी भी सीरीज़ होने वाली है, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ होगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टीम इंडिया की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होगी, उसके लिए प्रिडिक्टेड 15 मेंबर स्क्वाड के बारे में। तो उससे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में 200 लाइक्स का टारगेट, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह एक प्रिडिक्टेड लिस्ट है और बीसीसीआई ने अभी तक ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है। ऑफिशियल लिस्ट 16 या फिर 17 जुलाई को रिलीज़ हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनर्स की। तो नंबर 1 में आपको नजर आएंगे मयंक अग्रवाल, नंबर 2 में पृथ्वी शॉ और नंबर 3 में केएल राहुल, और ये तीनों के तीनों ओपनर्स रहने वाले हैं। अगर इन तीन ओपनर्स के बारे में, ये तीनों के तीनों अच्छे फॉर्म में हैं। अगर प्राइमरी ओपनर जो कि प्लेइंग 11 में होंगे उसकी बात करें, तो प्राइमरी प्लेइंग 11 में आपको नजर आने वाले मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ, दोनों बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हैं, यंग प्लेयर है और ये टीम इंडिया को बहुत ही काम आने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हो, नंबर 4 में आते चेतेश्वर पुजारा का नाम, नंबर 5 में आते कप्तान विराट कोहली का नाम, नंबर 6 में आते वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे का नाम, नंबर 7 में आते ऑलराउंडर हनुमा बिहारी का नाम, नंबर 8 में आते विकेट कीपर ऋषभ पंत का नाम, और नंबर 9 में आते टीम इंडिया के ओडीआई और टी20 टीम के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा का नाम। मिडिल ऑर्डर से आपको प्लेइंग 11 नजर आने वाले चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा। अब बात कर लेते हैं हम लोग टीम इंडिया के बॉलर्स की। तो नंबर 10 में नाम आता है रविंद्र जाडेजा का, नंबर 11 में नाम आता है कुलदीप यादव का, नंबर 12 में नाम आता है रविचंद्रन अश्विन का, नंबर 30 में नाम आता है मोहम्मद शमी का, नंबर 40 में नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, और नंबर 15 में नाम आता है ईशान शर्मा का। और अगर प्लेइंग 11 बॉलर्स की बात करें, तो वहाँ आपको नजर आ सकते हैं रविंद्र जाडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशान शर्मा। तो ये तो रहने वाली है टीम इंडिया की 15 मेंबर स्क्वाड, और ये जो स्क्वाड है ये पूरी प्रिडिक्टेड स्क्वाड रहने वाली है, जिसमें हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि आपने लास्ट 2 दिन में मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, और लास्ट 5 डेज के अंदर हम लोगों ने लगभग 6,000 सब्सक्राइबर्स और ज्वाइन कर लिए इस चैनल पर, और हमारे चैनल में लगभग 31K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो ये तो रहने वाली है टीम इंडिया के प्रिडिक्टेड स्क्वाड और प्लेइंग 11। सो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। मिलता है आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।